रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने संभाला मोर्चा। भारतीय नागरिक और छात्रों को निकालने पहुंचे बुखारेस्ट में भारतीय छात्रों से मिले ज्योतिरादित्य, सभी को सुरक्षित निकालने का आश्वासन। मध्य प्रदेश में अब तक यूक्रेन से लौटे 46 भारतीय, राज्य के अभी 100 से ज्यादा लोग फंसे। यूपी के वाराणसी दौरे पर सीएम भूपेश, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे कैंपेन। सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, हर साल उज्जैन की तरह मनाई जाएगी शिवरात्रि, कल दीपों से जगमगाई बाबा महाकाल की नगरी। भोपाल में 4 लाख पौधे का होगा रोपण, 1 से 5 मार्च तक का चलाया जा रहा है पौधारोपण अभियान, जिला पंचायत और वन विभाग को 1 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है, यह सत्र हर साल की अपेक्षा में छोटा होगा, इसमें केवल 13 बैठक के प्रस्ताव। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती नजर आ रही है। जिला कोरबा कोसा उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी जिला के रूप में पहचान है। बता दें कि कोसा सिल्क के जितने ही उत्पादक को अपने पहनावे में उपयोग करते हैं। विज्ञापनों में लुभावने वादे तो आम बात है, अगर विज्ञापन में वादों की झड़ी न लगे तो विज्ञापन आखिर किस काम का, लेकिन कई बार नौकरी के नाम पर बेवकूफ बनाने वाले विज्ञापन भी सामने आते हैं। महासमुंद के NH 53 पर तोरला पड़ा के पास ट्रेलर के पीछे से एक बाइक टकरा गई, जिसके चलते युवक की मौत। इंदौर में फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौक से नहीं रहे, 83 साल की उम्र में सुबह 8 बजे ली अंतिम सांस। जांजगीर चांपा में शिव बारात के दौरान 3 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके चलते 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। मांजल में बाड़मेर के एक घर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ग्वालियर में किले के ऊपर से तलहटी में गिरा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया, पुलिस ने युवक को अस्पताल में करार भर्ती। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा प्रारंभ हो गई है, परीक्षा को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं परीक्षा शुरू, कल से शुरू होंगे 10वीं बोर्ड के एग्जाम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधन करते हुए कहा, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, हम रूस पर प्रतिबंध लगाते हुए रूस के विमानों को बंद करते हैं। सरकार ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी की कोशिश तेज कर दी है, इसके लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट रोमानिया और हंगरी भेजी जाएगी। आज से छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा, कल से शुरू होंगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जताया अनुमान, बारिश को लेकर किसान परेशान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 384 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 4 लोगों की कोरोना से मौत। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 7,554 नए मामले सामने आए हैं, 223 मरीजों की गई जान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।